अच्छा आप समिया से हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है हमेशा की तरह और किचन में बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम समिया। कोई रश था माशाल्लाह तो जगह ही नहीं होगा इतना रश होता है कि वहाँ पे चलने की जगह नहीं होती। बात है चले आज लेकिन बंद कबाब बन रहे हैं आज क्या बन रहा है? आज बंद कबाब नहीं बन रहे हैं, आज बनेंगे अंडे वाला बर्गर। नो पाव भाजी। नहीं 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 ये देख लें इसको देख के गेस करें। दिस इज बीफ। बीफ स्टेक बर्गर्स चीज बीफ स्टेक एंड चीज बर्गर्स। ओके बहुत मजे के होते हैं। नहीं वो मैं वो वहां से वैसे इतना ब्रांडिंग तो नहीं। पॉल एक कैफे है पॉल उसका जो ये वाला सैंडविच है ना वो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला। हालांकि वो कैफे राबे के में फर्क पानी है। आई आल्सो वांट टू टेक यू टू एक एक बहुत मशहूर वहां पे नया बेकरी कैफे टाइप का खुला है उसका मिल्क केक। अच्छा मिल्क केक वो जो जापानीज केक है सॉफ्ट वाला। नो इट्स अ थ्री मिल्क केक। थ्री मिल्क केक और वहां का है इट इज वेरी गुड और मैं आपको लेकिन वो आंटी मुनव्वर के केक उनका केक का आपको ईद पे भिजवा दूं। मेरे घर के साथ तो है वहीं से जाके भिजवा दें। बहुत पब्लिसिटी होगी आंटी मुनव्वर की बट उनकी आपको पता है रमजान पहला शुरू हो तो उनकी अनाउंसमेंट हुई कि ईद की बुकिंग अभी होगी बिकॉज शी हैज नो केक्स लेफ्ट। माशाल्लाह इतने अच्छे केक्स होते हैं। हम इतने क्रेजी हो गए थे एक वक्त में। सॉरी समिया 40 सेकंड हम देंगे। बेटी की ना मैं क्योंकि पहली औलाद थी तो जाहिर खुशी आपको एक बड़ी होती है तो मैं उसका हर महीने की ना एक बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। तो मेरा मियां कहता था कि तुम उसकी मेजोरिटी जो है ना वो तब होती है जब आपको बर्थडे की जरूरत नहीं होती केक खाने के लिए। अच्छा जी बताइए आज का जायका जो है वो फिली चीज स्टेक सैंडविचेस है जो हम लोग ऑब्वियसली डालडा कुकिंग ऑयल से बनाएंगे। जहाँ मामता वहाँ डालडा। और फिली चीज स्टेक सैंडविचेस की वैसे सबसे खासियत ये होती है कि उसकी जो बीफ है इट्स सपोज्ड टू बी टेंडर और वो अगर अच्छी सी गली हुई हो सॉफ्ट हो दैट इज द सीक्रेट। ताकि वो एक फौरन से कहते हैं ना आप जब बाइट लेते हैं तो फौरन से आपके बाइट के तो साथ आप इसको पकाएंगी नॉट लाइक जो हमने बर्गर्स में किया था बट इसको आप डिफरेंट तरीके से पकाएंगी। इसको चूल्हे पे ही पकाएंगे बेसिकली हल्के से ऑयल में चूल्हे चूल्हे पे हल्के से ऑयल में पकाएंगे नॉट अ लॉट। इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे बट शैलो फ्राइंग इट। पहले इसका रेसिपी कार्ड पढ़ लेते हैं। बीफ 700 ग्राम्स नमक और काली मिर्च हसब जरूरत प्याज एक कटी हुई एक बड़ी मोजरेला चीज 1.5 कप और लंबे बंस 6 अदद। ओके अच्छा ठीक है हो गया। तो ये रेसिपी कार्ड है कटे हुए स्लाइस ठीक है वो जरूरी है। यस अच्छा कभी कभी श्रेडेड भी लोग रखते हैं बीफ स्टेक का जो सैंडविच होता है उसमें श्रेडेड भी आपकी चॉइस होती है। बिल्कुल चॉइस होती है। स्लाइसेस बेहतर रहते हैं स्लाइसेस में भी कर सकते हैं या श्रेडेड भी लोग खाते हैं उसका भी बड़ा अच्छा। यस वो आपकी चॉइस होती है डिपेंड करता है आप कोई भी तरीका करें इट शुड जस्ट बी सॉफ्ट वो इजी चबाने में हो वहाँ पे फंसे वो जो खिंचता है आपका तो आपको पूरा सारा जायका खराब होता है तो वो फौरन में आ जाए ऐसा ना कि आधा आपके मुंह में और आधा पान के अंदर है। वेल कुक्ड भी हो वो श्रेडेड इसलिए करते हैं ताकि वो दांतों में आपके कहीं फंसे नहीं वो आपके आधे बन में आधे मुंह में ना रह जाए वो आराम से आपके हर बाइट पे इवन अमाउंट ऑफ बीफ आपको मिलता रहे। वरना ये वो चीज है कि आप अगर किसी ऐसे फॉर्मल से आप लंच पे या डिनर पे गए तो आप कभी ऑर्डर ही नहीं करते कि यार किसी के सामने सही होगा नहीं होगा। एग्जैक्टली अच्छा भी मैं इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करता मैं सिर्फ खाने का सोचता हूँ जो मर्जी किसी ने सोचा सोचा कल की जो रेसिपी है ना वो ऐसी है नहीं मजेदार रेसिपी है बट ऐसी नहीं है कि आप उसको दावतों में ज्यादातर क्या बताएं क्या इट्स गोना बी चिकन विंग्स। चिकन विंग्स आई लव चिकन विंग्स लेकिन मैं पर्सनली खुद भी अवॉइड करती हूँ कि दावतों में ना करें जैसे फ्रूट्स में आम है ना यस
खाने में पाए हैं, वैसे मुझे लगता है इसमें ना ये चिकन विंग्स हैं कि ये यहाँ यहाँ गिर रहे हो सॉस और मुंह पे इधर लगा हुडी पहन कर उसके बाद फिर उसको यू नो सारा चूजे की खपड़ियां बांध कर फिर चूजे की खपड़ियां गोश्त उसमें होता नहीं, बस वो विंग से निकल आते हैं, लेकिन जायका अच्छा हो तो फिर मजा बहुत है। yes. क्योंकि वो जो मोटी वाली बोटी होती है ना उसको क्या कहते हैं चिकन की पुलाव वगैरह में डलती है जो थिक बोटी ऑफ चिकन, आई डोंट लाइक दैट, बहुत ड्राई होता है। की बात क्या है, बहुत ड्राई होता है, निकाल के हटाओ, बच्चों को दे देता है, बट चिकन विंग्स के ऊपर अगर बारबेक्यू सॉस हो और उससे ऊपर जो ये तेल नहीं जो बल्कि कल जो है वैसे बाय द वे दो सॉसेस बनेंगे, लेकिन आज की रेसिपी के ऊपर फोकस करते हैं। आज के जो है वो है फिली चीज स्टेक सैंडविचेस, इट्स गोना बी हैव अ नाइस चीजी पुल, थोड़ी देर के लिए अवन में भी बेक करेंगे। सॉरी मैं आपको तंग कर रही हूं, एक दिन रामेन से खा दो यार, चार दिन रह गए हैं। लोगों को बताओ वो रामेन जिसके ऊपर एग फ्राइड रखते हैं और एक्चुअली यार वो बहुत मजे का होता है, जो मैं घर में बना रही हूं। मलेशियन डिश और व्हाट रामेन इज जापानीज, कोरियन जापानीज, लेकिन वो पूरा जो फार ईस्ट है पूरे उस फार ईस्ट में वो पॉपुलर है रामेन, कुछ वेरिएशंस करके उनके पास अपने अपने फ्लेवर्स होते हैं। और अभी तो कुछ मार्केट में पैकेज रामेन ऐसे आ गए कि वो आपकी अंतड़ियां तक जला देते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, बल्कि बच्चे आजकल वीडियोस में देखते हैं, बल्कि लोगों ने आजकल कॉम्पिटिशन लगाया हुआ है कि इसको हम लोग सहरी में खाएंगे और फिर पूरे दिन रोजा रखेंगे। इसके बारे में जो आज हम बना रहे हैं इसकी भी कोई वैल्यू है या सिर्फ हमारी वैल्यू, हम ही बोलते जाएंगे कुछ बोलेंगे फिर हमें कलाम की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल, इसको बनाएंगे हम लोग यहाँ पे चूल्हा जला देते हैं, इसके अंदर बल्कि आप एक काम ये करें प्याज डाल दें, प्याज डाल दें जब हम लोग यहाँ पे दो तीन चीजें और बेच देते हैं, ठीक है आप बेचें बाकी की चीजें। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टार्ट ऑफ किया था पाम ऑलिव के साथ जो 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनता है जो आपको स्किन को डल होने से बचाता है। एंड क्योंकि हमने स्किन की बात की है तो लेमन मैक्स लिक्विड और लेमन मैक्स बार जो है वो भी आपके स्किन के ऊपर जेंटल रहते हैं, इजी टू यूज है और आपकी डिशेस और तमाम बर्तन को स्क्रैच फ्री रखता है। ओके जी, पाम ऑलिव से स्टार्ट करते हैं हम हाथ धोने के लिए ताकि हाथ साफ सुथरे रहे तो खाना अच्छा सेहत बन सके, और फिर उसके बाद जब बर्तन गंदे होते हैं हमें किचन के ये जो स्लैब्स वगैरह ये साफ करने होते हैं, किचन काउंटर साफ करने होते हैं, सिंक की सफाई या फिर बर्तन धोने होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं लेमन मैक्स जिसमें है 1000 लीमों की ताकत। बिल्कुल।